जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो जो बेबी होता है वो एक सैक के अंदर रहता है जिसे एमनियोटिक सैक कहते हैं, और बेबी के चारों तरफ एक पानी भरा रहता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूड कहते हैं। बच्चे के चारों तरफ जो ये पानी की थैली होती है, इसका बच्चे को सुरक्षित रखने में और बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, इसमें जो मिनरल्स होते हैं, सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ये बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बच्चा इसी की वजह से सर्वाइव कर पाता है, और बच्चे की जो मसल्स होती हैं, बोन होती हैं, वो इस फ्लूड में रहने की वजह से डेवलप हो पाती हैं। एमनियोटिक फ्लूड एक कलरलेस फ्लूड होता है जिसके अंदर बेबी तैरता रहता है, जिस तरह से एक स्विमिंग पूल होता है ना, उसमें बेबी तैरते रहते हैं, बच्चे स्विमिंग करते हैं, उसी तरह से बेबी इसके अंदर फ्लोट करता रहता है। एमनियोटिक फ्लूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें लिपिड होती है, फास्फोलिपिड होती है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। तो इसकी वजह से बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ होती है। बच्चे को ग्रो करने के लिए, अपने हाथ पैर बढ़ाने के लिए और हाथ पैर का मूवमेंट करने के लिए बच्चे को स्पेस भी मिलता है। इसके फंक्शन क्या हैं, ये क्या काम करता है? ये एक कुशन की तरह काम करता है और शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, मतलब कि जब भी माँ को चोट लगती है, माँ किसी कारण बस गिर जाती है, तो चोट का प्रेशर होता है वो बच्चे तक डायरेक्ट नहीं आ पाता, क्योंकि बीच में एमनियोटिक फ्लूड एक कुशन बना देता है, तो जिसकी वजह से बच्चे को चोट नहीं लग पाती है, और बच्चे के लिए टेम्परेचर भी मेंटेन करता है जिसकी वजह से बच्चा वार्म रहता है, थोड़ा सा हल्का सा गर्म रहता है। ये बेबी के लिए स्पेस प्रदान करता है। जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है, उसकी मसल्स बनने लगती हैं, उसका साइज बढ़ने लगता है, उसकी बोन डेवलप होती हैं, तो उन सब के लिए ये एक स्पेस प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं ये बनता कैसे है। तो शुरुआत में जब माँ प्रेग्नेंट होती है तब तो अबनाल होती है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, वो इसका फॉर्मेशन करती है। उसमें से एक अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है जिसे अबनाल कहते हैं, जिसके थ्रू माँ का ब्लड बेबी को सप्लाई होता है और बच्चे को पोषण मिलता रहता है। और इस अम्बिलिकल कॉर्ड में जो माँ का ब्लड सप्लाई होता है, उसका जो प्लाज्मा होता है वो फिल्टर होके बच्चे की एमनियोटिक सैक में इकट्ठा होता रहता है। इस तरह से स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 महीनों में जो पानी बनता है उसको एमनियोटिक फ्लूड कहते हैं। 22 वीक्स यानी 6 महीने तक बच्चा अपनी स्किन से इस पानी को, एमनियोटिक फ्लूड को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको सारा न्यूट्रिशन और पोषण मिलता रहता है। लेकिन 22 वीक्स पे बच्चे की स्किन का केराटिनाइजेशन हो जाता है, इसके बाद बच्चा अपनी स्किन से एमनियोटिक फ्लूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा बढ़ता जाता है तो ये बच्चा ये पानी खुद ही बनाने लगता है। 6 महीने से बच्चे की किडनी फंक्शन स्टार्ट कर देती है, उसके बाद जो बच्चा पानी पीता है वो किडनी से फिल्टर होता है, और किडनी से फिल्टर होने के बाद यूरिन के रास्ते ये बाहर निकल जाता है, ये पानी चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, और इसी फ्लूड को एमनियोटिक फ्लूड कहते हैं, और इस फ्लूड में ही बेबी घूमता रहता है। 6 महीने से बच्चे का गट सिस्टम डेवलप हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होने शुरू हो जाता है, मतलब कि बच्चे की आंतें बनना शुरू हो जाती हैं, और बच्चा इस पानी को सॉलो करता है, और ये पानी उसकी आंतों से होता हुआ, एनस से होता हुआ बाहर निकल जाता है। इस तरह से जो वो पानी पीता है उसी पानी को वो बाहर निकाल देता है, और इस तरह से 22 वीक्स के आसपास पानी की मात्रा, एमनियोटिक फ्लूड जो होता है उसकी मात्रा मैक्सिमम हो जाती है। अगर ये पानी नॉर्मल से कम होता है तो हम इसे ओलिगोहाइड्रोमनियास कहते हैं। अब ये ओलिगोहाइड्रोमनियास क्यों होता है? या तो कोई बच्चे में गड़बड़ हो सकती है, या प्लेसेंटा में जब गड़बड़ होती है, क्योंकि आपने सुना कि अगर ये प्लेसेंटा से ही फ्लूड सीक्रेट होता है, तो अगर प्लेसेंटा में कोई गड़बड़ होगी, मतलब माँ में कोई गड़बड़ होती है या कोई बच्चे में गड़बड़ होती है, तो इस फ्लूड की मात्रा कम रह जाती है। तो बच्चे में क्या अनोमलीज हो सकती हैं जिसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोमनियास हो सकता है? तो इसका सबसे मुख्य कारण है रीनल एजेनेसिस, या तो किसी कारण से एक किडनी
किडनी नहीं बनी होती है या एक किडनी छोटी रह जाती है या एक किडनी एब्सेंट होती है तो बच्चा किडनी से यूरिन को एक्सक्रीट नहीं कर पाता है, यूरिन पास नहीं होगा तो फ्लूइड की कमी हो जाएगी जिसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोमनियास हो सकता है। बच्चे की किडनी में कोई ट्यूमर हो सकता है, कुछ ट्यूमर जन्मजात भी होते हैं जैसे कि विम्स ट्यूमर, तो इसकी वजह से भी ओलिगोहाइड्रोमनियास हो सकता है। अगर बेबी के यूरेथ्रा में बॉल्ब होते हैं जिसे पोस्टीरियर यूरेथ्रल बॉल्ब कहते हैं तो उसकी वजह से भी ओलिगोहाइड्रोमनियास हो सकता है। माँ को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी ओलिगोहाइड्रोमनियास हो सकता है जैसे कि यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशेंसी। माँ को अगर हाइपरटेंशन होता है जिसकी वजह से प्लेसेंटा में ब्लड सप्लाई कम पहुँचती है तो उसकी वजह से भी ओलिगोहाइड्रोमनियास हो सकता है। इडियोपैथिक है, इसमें कारण नहीं पता होता है, ना ही बच्चे में कोई कमी होती है ना ही माँ में कमी होती है, फिर भी ओलिगोहाइड्रोमनियास हो सकता है। तो ओलिगोहाइड्रोमनियास की वजह से बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है? एक तो जब पानी कम है तो बच्चे के लिए ग्रोथ के लिए जगह नहीं मिलती है तो बच्चा इस तरह से कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, उसके हाथ पैर बिल्कुल सिकुड़ से जाते हैं, बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है जिसे IUGR कहते हैं, और कभी कभी स्टिल बर्थ भी हो सकता है, मतलब बच्चे की पेट के अंदर डेथ हो सकती है। इसमें क्या करना है? मदर को अपना हाइड्रेशन बढ़ा देना है, मतलब कि खूब पानी पीना है, 3 से 4 लीटर पानी पीना है, और उसके बाद कोई भी जूस या फ्लूट पीना है जैसे कि नींबू पानी, कोकोनट वाटर, संतरे का जूस मदर पी सकती है, इसके से पानी की मात्रा बढ़ जाती है। आई होप अब आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके अगर कोई क्वेश्चन रहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर इट। Thanks for watching. Stay healthy, stay safe.